हर हर महादेव, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी का श्रवण कराने जा रही हूँ। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इस कहानी का मूल समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध और भव्य शहर में एक अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम हरिश्चंद्र था। उसके पास बेशुमार धन और ऐशो आराम की हर चीज थी। दूसरी ओर शहर के बाहरी इलाके में एक गरीब किसान जिसका नाम रामू था अपनी छोटी सी फसल से गुजारा करता था। उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे एक अच्छा व्यक्ति बना दिया था। एक दिन हरिश्चंद्र ने सोचा कि वह अपनी संपत्ति का उपयोग किसी समाज सेवा के कार्य में करेगा। उसने शहर के सारे अमीरों को एक दावत दी और सभी को अपने साथ लंच पर बुलाया। दावत में विभिन्न प्रकार के व्यंजन थे और सभी लोग इस समृद्धि को देखकर हैरान थे। लेकिन हरिश्चंद्र ने एक खास काम किया, उसने गांव के गरीबों को भी दावत में आमंत्रित किया। जब रामू ने दावत का निमंत्रण सुना तो उसने सोचा कि यह उसके जीवन का एक अद्वितीय अवसर हो सकता है। वह उत्सुकता से दावत पर गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि हरिश्चंद्र और अन्य अमीर लोग बातों में व्यस्त थे। गरीबों को अलग कमरे में बैठाकर खाना दिया गया। रामू ने कुछ सोचते हुए वहां मौजूद लोगों से बातचीत शुरू की और देखा कि अमीर लोग अपनी संपत्ति और ऐशो आराम की बातें कर रहे थे, जबकि गरीब लोग अपने कठिन हालात और संघर्ष की कहानियां सुना रहे थे। रामू ने महसूस किया कि अमीरों की खुशी उनकी संपत्ति पर आधारित थी, जबकि गरीबों की खुशियां एक दूसरे की मदद और आपसी समझ पर आधारित थीं। दावत के बाद हरिश्चंद्र ने सभी गरीबों को एक छोटा सा उपहार देने का निर्णय किया। लेकिन जब वह रामू के पास आया और उसे उपहार दिया तो रामू ने विनम्रता से उस उपहार को अस्वीकार कर दिया और कहा, सच्ची खुशी और समृद्धि सिर्फ धन से नहीं आती। आपके साथ बिताए गए इस समय ने मुझे दिखाया है कि आपसी सम्मान और सहानुभूति से हम सभी की जिंदगी में खुशियां बढ़ सकती हैं। हरिश्चंद्र को रामू की बातों से गहरी प्रेरणा मिली। उसने सोचा कि उसका धन केवल खुद पर खर्च करने से बेहतर है कि उसे समाज के भले के लिए इस्तेमाल किया जाए। उसने गरीबों के लिए एक स्कूल और एक अस्पताल बनाने का निश्चय किया ताकि उनकी जिंदगी में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। समय बीतता गया और हरिश्चंद्र की यह पहल शहर में एक आदर्श बन गई। गरीब और अमीर के बीच का अंतर मिटा और समाज में एकता और सहयोग बढ़ा। रामू और हरिश्चंद्र की मुलाकात ने साबित कर दिया कि सच्ची समृद्धि और खुशियां केवल धन में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा और आपसी समझ में होती हैं। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्ची समृद्धि और मानवता का मूल्य सिर्फ संपत्ति में नहीं बल्कि हमारे विचारों, कार्यों और एक दूसरे के प्रति हमारे दृष्टिकोण में छिपा होता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आए हो। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।